क्या दीदी कैसन बात तो कह रही हैं, तो अपन बेटी के पढ़ाई लिखाई करे खातिर ले बड़का शहर भेजमी, वहाँ नौकरी लगतो कि नहीं लगतो, बस खाली पढ़ाई के खर्चा बढ़तो। अरे हम तो कहो ये ब्याह कर दे, ओकर शादी कर दे, ससुराल भेज दे, जवान बेटी के तो कितना दिन तक घर में रखमी, और वैसे भी तोर तबीयत वो अब ठीक नहीं रहो हो। नहीं, हम फैसला कर ले लिए कि हमर बेटी शहर जीते पढ़ाई करते और अपन एक अलग पहचान बनेते, अपन पैर पर खड़ा रहते। माँ आपको छोड़कर हम दूसरा शहर पढ़ने के लिए कैसे जा सकते हैं? अरे बिट्टू तो काहे मैं चिंता करूँगी, यहाँ आपका देखभाल कौन करेगा? आर सब है ना हमार ख्याल रखे वाला। अरे माँ ये सब सिर्फ बोलने के लिए ही। अरे वो सब हम देख लगे, बस चाची पैसे खर्च होने का ताना कसती रहती है हमेशा, तो बस मन लगा के पढ़ी। वैसे में अगर हम आपको छोड़ के चल जाते हैं तो सब कोई आपको परेशान ही करेगा, और जब हमार सोना बेटी अफसर बन जीते तब सबके मुंह अपने बंद हो जीते। ए बेटी हमार तो ये सपना पूरा कर मीन बेटी। हाँ माँ हम जरूर आपका सपना पूरा करेंगे। ओ जीना 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 रे उड़ा गुलाल पाई तेरी चुनरिया लहराए, जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का रंग तेरी। हेलो माँ रिजल्ट निकल गया पर हमारा इस बार नहीं हो पाया रिजल्ट। कोई बात नहीं बेटा, अगला बार होते, बस तो मेहनत करते रहो, अगला बार रिजल्ट जरूर होते। हाँ हम ठीक है बेटा, बस तो पढ़ाई पे ध्यान लगा। पर माँ तुम अपना ख्याल क्यों रही हो, हमको बहुत चिंता होता यहाँ। जब जब मुझ पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहराए, जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। पाए माँ बस कुछ नंबर से रह गया, लेकिन अगला साल जरूर पास हो जाएंगे। बस तुम अपना ख्याल रखो और तुम अपना तबीयत ठीक रखो, नहीं तो मेरी नौकरी लगने के बाद पूरे गांव में लड्डू और मिठाई कौन बांटेगा। नेहा तुम्हारे गांव से कॉल आया था और तुम्हारी माँ का बहुत तबीयत खराब है, तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ बुलाया है। हेलो नेहा जी बोल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका सिलेक्शन हो गया है। फ्रेंड ये थोड़ा सीरियस मोमेंट वाला एक्ट था, मैं हमेशा भगवान से प्रे करती हूँ कि मेरी माँ सलामत रहे, सभी की माँ सलामत रहे, और जो भी जिनकी भी माँ है वो सपने देखते हैं अपने बच्चे के लिए, तो वो पूरा सपना करे और वो रह के उनका उनके सपनों को अच्छे से देखे। तो बस मैं एक एक्ट की हूँ, तो आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।